हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द बिटकॉइन बर्नर। तो ये वीडियो होने वाली है आईसीपी टोकन के ऊपर एक अपडेट। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप आईसीपी टोकन के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो सब इस वीडियो में कवर करूंगा। अपना टीए चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा, क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, कौन सा अच्छे बाय जोन बनते हैं, इंडियन रुपीज़, यूएस डॉलर्स, बोथ करेंसीज में आपको वैल्यू बताई जाएंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल एंड तक देखें। और अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल बिना कोई टाइम वेस्ट किए आईसीपी टोकन की करंट वैल्यू चेकआउट करते हैं। करंटली 3,208 रुपीज़ का राउंड आईसीपी टोकन ट्रेड कर रहा है। यूएस डॉलर में 43.21 डॉलर्स का राउंड ट्रेड करता हुआ आईसीपी टोकन नजर आ रहा है। इसके अगर प्रॉपर टीए चार्ट की बात करें, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पहले आपके साथ शेयर कर दिया है। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से तक नहीं जुड़े हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लो। आईसीपी टोकन आईसीपी अपडेट हमारे दिन की दूसरी वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैं मार्केट न्यूज़ के ऊपर एक वीडियो डाल चुका हूँ और उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करी थी आपके साथ, जो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊँगा। फिलहाल आईसीपी का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रूशल रेजिस्टेंस एरिया 43.85 के राउंड बना हुआ है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 3,285 रुपीज़ का एरिया बनता है, फॉलोड बाय 45.23। ये दो मेजर रेजिस्टेंस हैं यहाँ पे, जो कि 3,364 रुपीज़ का एरिया बनता है। उसके बाद हमें 48.09 पे एक और हैवी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ना है, जो कि 3,603 रुपीज़ का राउंड का एरिया बनता है। तो ये उसके बाद भी रेजिस्टेंस जोन ऊपर है। फिलहाल जो मेजर तीन रेजिस्टेंस हैं वो जोन आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली विजिबल है बाकी के रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे जो क्रूशल चीज़ है वो सपोर्ट एरिया और कौन सी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो यहाँ पे हमें मेजर जो सपोर्ट देखने को मिल रही है 40.31 से लेकर 40.99 के बीच में देखने को मिल रही है, जो कि अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर दूँ तो 3,020 रुपीज़ से लेकर 3,030 रुपीज़ का एरिया बनता है। अगर मैं लेके चलूँ एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या बनती है, तो समवन अराउंड हमें 3,030 रुपीज़ से लेकर 3,040 रुपीज़ का जो एरिया होने वाला ना, वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी का जोन बनता है आईसीपी टोकन के लिए। फिलहाल आप एक्सपेक्टेशन क्या रख सकते हैं आईसीपी टोकन से, क्या प्राइस मूवमेंट हो सकती है वो शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 530, 930 की रिस्पेक्टिवली कैंडल क्लोजिंग 43.85, जो कि इंडियन रुपीज़ में 3,285 रुपीज़ का एरिया बनता है, उसके ऊपर मिलती है, तो आपको ये वाले रेजिस्टेंस एरिया टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। 45.23 वाले, जो कि 3,364 रुपीज़ का एरिया बनता है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट में जो मेजर रेजिस्टेंस है 48.09 के आसपास है, 3,603 रुपीज़ के। अगर हमें इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन देखने को मिलती है तो आपको जो नीचे के सपोर्ट एरियाज हैं वो टेस्ट होते हुए नज़र आ सकते हैं और ये वाला एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी का जोन बनता है। सिनेरियो 1, अगर हमें यहाँ पे है सपोर्ट कंफर्मेशन मिलती है और यहाँ पे जो है रिजेक्शन देखने को मिलती है, तो एक और जो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी का सिनेरियो बनता है। यहाँ से रिजेक्शन खाने के बाद 530, 930 कैंडल क्लोजिंग इस सपोर्ट एरिया के बाद होने के बाद, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी 3,209 रुपीज़ के राउंड वाले एरिया पे बनती है। सिनेरियो 2, ये दोनों सिनेरियो बिटकॉइन कैसे मूवमेंट करता है उसके ऊपर आपको ध्यान देने से पता लग जाएंगे। और 530, 930 कैंडल क्लोजिंग आपको रिस्पेक्टिवली ध्यान में देनी है। फिलहाल ये मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट है, नो डाउट मोस्ट ऑफ द टाइम वर्कआउट करता है, पर ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ गाइस। ये चीज़ बताना मेरा फर्ज बनता है। नो डाउट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा टीए चार्ट वर्कआउट करता है। अब ये तो बात होगी भाई प्राइस एक्शन क्या हो सकता है, प्राइस कौन सा यहाँ पे जो है अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी का जोन बनता है। अब आप एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन इंटरनेट कंप्यूटर आईसीपी टोकन से क्या रख सकते हैं, तो जो लोग $700 का जो अराउंड इसका जो ऑल टाइम हाई है वो सोच के बैठे हैं, तो यार वो उतना मत सोचो। अगर मैं एक मिनिमम वैल्यू लेके चलूँ जो आपको देखने को मिल सकती है, तो वो समवन अराउंड $80 to $90 होने वाली है। आप $700 की एक्सपेक्टेशन लेके मत चलो। और भी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो मैं आपके साथ अपनी वीडियोस के थ्रू शेयर करता रहता हूँ, जिसमें आपको और ज़्यादा गेन के चांसेस हैं। पर अगर आप आईसीपी टोकन के बारे में सोच रहे हैं तो मैंने एक मिनिमम जो मुझे उम्मीद है वो आपके साथ शेयर कर दी है। कई लोगों को पसंद आएगी उम्मीद, कई लोगों को नहीं पसंद आएगी, पर जो फैक्ट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। बाकी हमें बहुत सारे कॉइन्स बहुत पंप मारते हुए देखने को मिले हैं। आगे चल के आईसीपी टोकन कोई मेजर अपडेट निकल के आता है, इंटीग्रेशन करता है, उससे क्या चीज़ें बनती हैं, क्या सिनेरियोज बनते हैं, वो मैं आपके साथ वीडियोस के थ्रू शेयर कर दूंगा। अब ये तो बात होगी आईसीपी के बारे में। क्रूशल चीज़ बिटकॉइन है। बिटकॉइन 60,657 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इसका टीए चार्ट मैंने आपके साथ ना सुबह की वीडियो में भी शेयर किया था, जो मैंने मार्केट न्यूज़ से बताई थी, और मैंने आपको बोला था ये वाला जो सपोर्ट एरिया ना, इसको टेस्ट करके यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको जंप देखने को मिले। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो हम नीचे के सपोर्ट्स में टेस्ट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो हमें इसी एरिया से अराउंड जंप देखने को मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एरिया से हमें जंप देखने को मिला, समवन अराउंड इसी एरिया के आसपास से सपोर्ट से। और उसके बाद हम करंटली जो मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पे 6690 की, वो वाली टेस्ट करते हुए अभी बिटकॉइन नज़र आ रहा है। और इसका जो क्रूशल रेजिस्टेंस एरिया है वो अगर हमें 530, 930 रिस्पेक्टिवली कैंडल क्लोजिंग इन एरियाज़ के ऊपर मिल जाती हैं, तो आपको जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है वो यहाँ इस एरिया के अराउंड देखने को मिलने वाली है, जो आपको टेस्ट होते हुए नज़र आ सकती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में देनी है, पर यहाँ पे जो अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना मत भूलना। और क्रूशल जो सपोर्ट जोन बने हुए हैं 59498 के अराउंड एंड यहाँ पे 58434, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेकआउट होती है तो हम 56-57 के एरियाज़ को टेस्ट करते हुए नज़र आ सकते हैं। ये कंसिडरेशन में हमें रखना है, इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगा अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना ना भूलें। ठीक है, फिलहाल ये तो बात होगी भाई बिटकॉइन प्राइस एक्शन क्या है, क्या हो सकता है। बिटकॉइन क्रूशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो जो मेरी ICP अपडेट वीडियो थी वो यहीं तक थी। होप्स आपको कंटेंट पसंद आया हो। अगर आपको कंटेंट पसंद आया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ भाई। अरे बताना भाई आपको TA चार्ट का बताने का तरीका कैसा लग रहा है। सिंपल रखता हूँ मैं कोशिश कि जितने भी लेमन लोग हैं ना उनको सब कुछ समझ आ जाए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गलत बात है, सब्सक्राइब करो, चैनल को बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑल करो। ये दिन की हमारी दूसरी वीडियो होने वाली, इससे पहले हम मार्केट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो डाल चुके हैं। मैंने XRP के ऊपर, मैटिक के ऊपर, TRX के ऊपर, कार्डानो के ऊपर, डोज के ऊपर, डिफरेंट ऑल्ट कॉइंस के ऊपर लगातार वीडियो शेयर करी हैं। और इसके वीडियो के बाद जो हमारी ICP के एक और वीडियो आने वाली है, तो कोई भी कंटेंट मिस आउट नहीं करना, तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, नोटिफिकेशंस को ऑल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल अपना और अपने चैनल वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।